हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के नागौर समाचार में आपका स्वागत है। नागौर से रामदेवरा जैसलमेर जा रहे दो पैदल यात्रियों की सड़क भिड़ंत का बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है। दरअसल यह मामला जिले के पांचोड़ी थाना क्षेत्र के देव फाटा पर हुआ है, जिसमें कोतवाली थाना इलाके के चैनार निवासी मूलचंद 45 वर्षीय पुत्र राम सिंह और ताउसर निवासी राजेंद्र 40 वर्षीय पुत्र छोटमल को मृत घोषित कर दिया गया है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मौका मुआयना किया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के शवों को पांचोड़ी सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जानकारी में सामने आया कि राजेंद्र और मूलचंद दोनों रामदेवरा जैसलमेर दर्शन करने के लिए पैदल जा रहे थे। वे देव फाटा पर पहुंचे ही थे कि पीछे से एक लोडिंग टेम्पो आ रहा था, उसने पीछे से भिड़ंत कर दी। इस घटना में दोनों को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद सूचना मिलने पर पांचोड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के परिजनों को सूचना दी। पुलिस टेम्पो ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। सो दोस्तों, आपसे भी निवेदन है कि वाहनों को सावधानी पूर्वक चलाएं। इस खबर के माध्यम से आपको सचेत किया गया है, न कि विचलित, ताकि खुद के साथ घटने वाली घटनाओं से बचा जा सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।